हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द एंडोक्राइन हार्मोन्स एंड डिसऑर्डर्स। आज इस वीडियो में हम एंडोक्राइन ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी और हाइपो एक्टिविटी से होने वाले डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। ये अपने हार्मोन्स को, सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर करती हैं। ब्लड से ये टारगेट सेल तक जाता है और इनका जो भी फंक्शन होता है इसको ये परफॉर्म करते हैं, है ना। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी के अंदर कई हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, पैराथायराइड ग्लैंड हो गई, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी। तो यहाँ पर आप देखें हमने कॉलम बनाया है। पहले कॉलम में हम एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम लिखेंगे, दूसरे कॉलम में कौन कौन से हार्मोन्स ये रिलीज करती है इसके बारे में लिखेंगे, तीसरा जो कॉलम है सिक्रीशन का, अब इसमें या तो ग्लैंड हाइपर सिक्रीट करेगी, हाइपर एक्टिव होगी, यानी कि हार्मोन्स का ज़्यादा सिक्रीशन होगा, इसके लिए हम ऊपर का एरो इस्तेमाल करेंगे, या फिर ग्लैंड का हाइपोसिक्रीशन होगा, जो हार्मोन्स हैं ये कम मात्रा में निकलेंगे, इसके लिए हम नीचे का एरो इस्तेमाल करेंगे, और जो डिसऑर्डर्स हैं, जो डिजीजेज हैं, इसको हम लास्ट कॉलम में लिखेंगे। तो जो सबसे पहली ग्लैंड है दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है रिलीजिंग हार्मोन्स, और रिलीजिंग हार्मोन्स का अगर सिक्रीशन कम होता है तो जो बीमारी होती है इसको हम बोलते हैं पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। पैन मीन्स ऑल, हाइपो का मतलब होता है कमी, एंड पिट्यूटरिज्म इज रिलेटेड टू पिट्यूटरी। तो पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म में सारे के सारे पिट्यूटरी हार्मोन्स की कमी होने लगती है। ये जो डिसऑर्डर है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, वन ऑफ द कॉजेज हाइपोथैलेमस, दूसरा कई बार पिट्यूटरी के अंदर जब ट्यूमर होता है, पिट्यूटरी ट्यूमर, उसकी वजह से भी ये जो डिजीज है ये देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो दूसरी ग्लैंड है दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये बाकी जो ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशंस को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें बेसिकली दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब अगर ये जो ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होगा, ज्यादा मात्रा में निकलेगा, तो जो बीमारी है यहाँ पे दो तरीके की डिजीजेज होती हैं। पहली है एक्रोमेगैली इन एडल्ट। अगर एडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रीशन होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोमेगैली। लेकिन अगर चाइल्डहुड से ही ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जायजेंटिज्म, है ना। तो यहाँ पे जायजेंटिज्म और एक्रोमेगैली दो ऐसी डिजीजेज हैं विच विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब एक्रोमेगैली में बेसिकली अगर हम देखेंगे तो जो हैंड्स हैं और जो फीट है ये बहुत इनलार्ज हो जाता है, फेशियल बोन्स प्रोमिनेंट होती हैं, लिप्स नोज ब्रॉड हो जाते हैं, टंग भी ब्रॉड हो जाती है। जायजेंटिज्म में अगर हम देखेंगे तो क्योंकि चाइल्डहुड से ही ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रीशन होता है तो जो हैंड्स और फीट है बेसिकली पर्सन के बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, स्वेटिंग देखने को मिलती है, नोज ब्रॉड होगी, लार्ज हेड और फोरहेड भी हो सकता है। अब ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी होगी तो उससे जो बीमारी होती है इसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म, जिसको हम आम भाषा में बौनापन कहते हैं, है ना। तो जो ड्वार्फिज्म है इसमें जो पर्सन की हाइट है ये बहुत छोटी होती है, लगभग 4 फीट या 4 फीट से भी कम होती है, कई बार ग्रोथ बहुत स्लो होगी, डिलेड डेवलपमेंट होगा, शॉर्ट लिम्स होंगे, वाइड हैंड्स होंगे, और जो लेग्स होते हैं लेग्स में एक बोइंग देखने को मिलती है। ठीक है, फीट भी वाइड होंगे, है ना। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम होता है सोडियम को और वाटर को ये रिटेंशन करता है और यूरिन आउटपुट को कम करता है। तो अगर इसका हाइपर सिक्रीशन होगा तो जो बीमारी होगी दैट इज सिंड्रोम ऑफ इन अप्रोप्रिएट हाइपर सिक्रीशन ऑफ ADH, SIADH। तो जो SIADH है इसमें जो बेसिकली है क्योंकि इसका हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो बॉडी बहुत ज़्यादा वाटर को रिटेन करेगी और यूरिन के अंदर ये वाटर को एक्सक्रीट नहीं करेगी, जिसकी वजह से मिनरल इम्बैलेंस होगा, सोडियम का लेवल कम हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, मसल क्रैम्प्स होंगी, वीकनेस भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इसका हाइपोसिक्रीशन होगा, अगर ADH की कमी होगी, तो ADH की कमी होगी तो बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो यूरिन के अंदर आएगा, जिसकी वजह से यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है कम हो जाएगी, लार्ज वॉल्यूम में यूरिन इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है,
जो नेक्स्ट ग्लैंड है दैट इज द थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड में बेसिकली दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक फॉलिकुलर सेल्स और दूसरे पैरा फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट करते हैं थायराइड हार्मोन्स और जो पैरा फॉलिकुलर सेल्स हैं ये सिक्रीट करते हैं कैल्सिटोनिन। तो जो थायराइड हार्मोन्स हैं बेसिकली ये दो तरीके के होते हैं, T3 एंड T4, दैट इज थायरोक्सिन, है ना। थायराइड हार्मोन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो कि बॉडी की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और भी बहुत से लेवल पर इसका एक्शन होता है। अगर इस ग्लैंड का हाइपर सिक्रेशन होता है तो इट रिजल्ट्स इन हाइपरथायरॉयडिज्म और ग्रेव्स डिजीज। अब ग्रेव्स डिजीज है जिसको हम थायरोटॉक्सिस भी बोलते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में बेसिकली जो सिम्टम्स हैं वो थायराइड ग्लैंड के एक्सेस सिक्रेशन की वजह से होंगे, जिसमें कि अगर हम देखें तो जो ये इसमें बेसिकली जो बॉडी वेट है ये कम होगा, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है ये बढ़ जाएगा, पैल्पिटेशन हो सकता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, इंसोमनिया होगा और भी कई तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब अगर यही हार्मोन की कमी होगी इसकी वजह से जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है बच्चों में, चिल्ड्रन में, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। लेकिन अगर थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन एडल्टहुड में कम हो रहा है, एज में, एडल्ट में, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मिक्सोटिमा, है ना। तो क्रेटिनिज्म में अगर हम देखेंगे तो डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं, पेशेंट जो है, बच्चा है, देर से बोलना सीखेगा, देर से चलना सीखेगा, मेंटली थोड़ा सा स्लो होगा, इडियोटिक होगा, ठीक है, और स्लाइवेशन होगा उसको, और भी कई तरीके के सिम्टम्स होते हैं। मिक्सोडिमा में हम देखेंगे तो मिक्सोडिमा देर इज अ डिपोजिशन ऑफ मिक्सोमेटस टिश्यू अंडर द स्किन, और जिसकी वजह से एक एडिमा देखने को पेशेंट में मिलता है, होर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलेगी, और भी सिम्टम्स जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में होते हैं, सारे के सारे सिम्टम्स आपको इन बीमारियों में मिलेंगे। अब दूसरा जो हार्मोन है दैट इज कैल्सिटोनिन, जिसका काम होता है ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करना। तो अगर कैल्सिटोनिन का हाइपर सिक्रेशन होता है तो इट रिजल्ट्स इन मेडुलरी थायराइड कैंसर विच इज बेसिकली द ट्यूमर ऑफ द पैरा फॉलिकुलर सेल्स। और अगर इस हार्मोन की कमी होगी तो इट रिजल्ट्स इन कैल्शियम राइकट। अब थायराइड के ठीक पीछे की तरफ देयर आर टू पेयर ऑफ ग्लैंड्स जिनको हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है पैराथायराइड हार्मोन, जिसका काम होता है ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। अब ये ग्लैंड का अगर हाइपर सिक्रीशन होता है, पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होते हैं, तो इट रिजल्ट्स इन हाइपर पैराथायराइडिज्म। और क्योंकि ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है तो इस कंडीशन को हम हाइपर कैल्शियमिया भी बोल सकते हैं, यानी कि कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। और जस्ट इसका उल्टा, अगर इसका सिक्रीशन कम होगा तो इट रिजल्ट्स इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और हाइपोकैल्सीमिया और टेटनी, है ना। तो अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाता है तो इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स भी मसल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड को हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होती है, सुप्रा रीनल दैट इज अबव द किडनी, है ना। अब एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, अंदर वाला जो पोर्शन है दैट इज मेडुला और जो बाहर वाला पोर्शन है दैट इज द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर तीन लेयर्स होती हैं, सबसे बाहर वाली जोना ग्लोमेरुलसा, बीच वाली जोना फेसिकुलेटा और सबसे अंदर वाली जोना रेटिक्यूलरिस, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है एड्रीनल मेडुला। तो हम एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट कर सकते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। अब कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एड्रीनल एंड्रोजन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज सिक्रेटेड फ्रॉम द जोना ग्लोमेरुलोसा, सबसे बाहर वाली लेयर, और इसका एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का अगर हाइपर सिक्रेशन होता है तो इट रिजल्ट्स इन हाइपर एल्डोस्टेरॉनिज्म विच कैन बी प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरॉनिज्म को हम कॉर्न सिंड्रोम भी बोलते हैं। और जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है बेसिकली ये सोडियम का और वाटर का रिटेंशन करता है। तो सोडियम का और वाटर का जब ये रिटेंशन करेगा तो एक तरीके से ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा तो ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करेगा, एंड इट कॉजेज हाइपोकैलेमिया, कैल्शियम सॉरी पोटेशियम के का जो लेवल है इसको ये ब्लड के अंदर कम करता है, इट कैन लीड टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है।
अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को अगर हम देखें तो इसका एग्जांपल है कॉर्टिसोल, विच इज सिक्रेटेड मेनली फ्रॉम द मिडिल लेयर, जिसको हम बोलते हैं जोना फेसिक्यूलेटा। अब कॉर्टिसोल की अगर हाइपर सिक्रेशन होगा तो इट रिजल्ट्स इन कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम के अगर हम कुछ सिम्टम्स देखें तो इसमें जो पेशेंट है इसका मून फेस होता है, फैटी हम्प होता है बिटवीन द शोल्डर्स, यानी कि दो शोल्डर्स के बीच में एक हम्प, बफेलो हम्प टाइप का देखने को मिलता है, पर्पल स्ट्राया देखने को मिलेंगे, राउंड फेस होगा, पॉट बेली होगा पेशेंट, ठीक है, स्किन की थिकनिंग भी देखने को मिलेगी। अब एड्रिनल एंड्रोजेंस हैं जो कि जोना रेटिकुलरिस, यानी कि जो अंदर वाली लेयर से मेनली सिक्रीट होते हैं, अगर इनका हाइपर सिक्रेशन होगा तो इट लीड्स टू एड्रिनोजेनिटल सिंड्रोम। तो जो एंड्रोजेंस हैं बेसिकली मेल्स में अगर हम देखेंगे तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन्स, और फीमेल्स में अगर हम देखेंगे तो जो प्यूबर्टल चेंजेस हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो जो एंड्रोजेंस है बेसिकली एड्रिनोजेनिटल सिंड्रोम में अगर एंड्रोजेंस का लेवल बढ़ेगा तो ये जो है हेल्प करते हैं टू एंटर द प्यूबर्टी, और ये मेच्योरिटी के लिए, जो फिजिकल मेच्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल का अगर कमी होगी, हाइपोसिक्रेशन होगा, तो इट रिजल्ट्स इन एडिसन्स डिजीज, है ना। एडिसन्स डिजीज के तीन मेन फीचर हैं, एक तो ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, दूसरा ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है, एंड तीसरा ये डिहाइड्रेशन करता है, जिसकी वजह से देयर इज इम्बैलेंस इन इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उसको डिस्टर्ब करता है। अब एड्रिनल मेडुला को हम देखें, यानी कि जो अंदर वाला भाग है एड्रिनल ग्लैंड का, ये रिलीज करता है हार्मोन्स को जिनको हम बोलते हैं कैटाकोलामाइंस। कैटाकोलामाइंस आर द हार्मोन्स विच आर रिलीज फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। ये दो तरीके के होते हैं, एड्रिनालिन और एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो अगर इनका हाइपर सिक्रेशन होता है तो इट रिजल्ट्स इन अ कंडीशन विच इज नोन एज फियोक्रोमोसाइटोमा। नेक्स्ट ग्लैंड है पैंक्रियास। पैंक्रियास इज बोथ अ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके जो सीरस एसिनाए हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक्सोक्राइन पार्ट को, जो कि रिलीज करता है बेसिकली पैंक्रियाटिक जूस को। और इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है बेसिकली यह आइलेट ऑफ लैंगरहंस से बना होता है, विच सिक्रीट द हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। तो अगर इसकी कमी होगी तो इट रिजल्ट्स इन हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज मलाइटिस, है ना। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, एंड इट रिजल्ट्स इन वेरियस सिम्टम्स, जैसे कि पॉलीयूरिया हो गया, पॉलीडिप्सिया हो गया, पॉलीफेजिया होगा, कॉम्प्लिकेशंस में कोमा हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, एंड इट हैज मेनी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। अब अगर ये हार्मोन का इंक्रीज होगा तो बेसिकली इट रिजल्ट्स इन हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से वटाइगो हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, और भी सिम्टम्स हो सकते हैं। अब दूसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन, जिसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। तो अगर ये हाइपर सिक्रेशन होगा तो ये हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करेगा, और अगर इसकी कमी होगी तो इट कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया। जो नेक्स्ट ग्लैंड है दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस इज प्रेजेंट इन मेल्स एंड ओवरी इज प्रेजेंट इन फीमेल्स। तो जो टेस्टिस है, ठीक है, ये एक पेयर्ड ग्लैंड होती है और ये सिक्रीट करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। अगर ये हार्मोन का इंक्रीज होगा तो इट रिजल्ट्स इन हाइपरगोनाडिज्म इन मेल्स, और अगर वही यहां पर इसकी कमी होगी तो इट रिजल्ट्स इन हाइपोगोनाडिज्म इन मेल्स, ठीक है। फीमेल्स में अगर हम देखें तो फीमेल्स में जो ग्लैंड होती है दैट इज ओवरी। तो ओवरी से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अगर ओवेरियन हार्मोन्स का एक्सेस सिक्रीशन होता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, OHSS। ज़्यादातर ये कंडीशन तब पैदा होती है जब फीमेल को किसी बीमारी को ठीक करने के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्टेबल्स विमेन को देते हैं, तो कई बार एक्सेस सिक्रेशन की वजह से इट कैन रिजल्ट इन ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम और OHSS, है ना। अगर ओवेरियन हार्मोन्स की कमी होगी तो इट कैन रिजल्ट इन इरेगुलर पीरियड्स, मेनोपॉजल सिम्टम्स हो सकते हैं, और भी कई तरीके की बीमारियां फीमेल्स में हो सकती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।